मदीने में शेख पर जुल्म सितम के एक मुद्दत के बाद कूफे में वलीद की बदामालियां खुलकर सामने आ गईं। कूफे के कुछ लोग वलीद की शिकायत लेकर मदीने में खलीफे वक्त के पास इंसाफ मांगने आ गए, लेकिन मरवान इब्ने हकम और अबू सुफियान दोनों ने मामले की सुलह सफाई न होने दी। कूफे वाले शिकायत लेकर उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास गए और उन्होंने रसूल करीम की नालायन मुबारक को हाथों में उठाकर फरियाद बुलंद की कि कितना जल्द उसकी सुन्नत को दिया जिसकी नालायन भी अभी बोसीदा नहीं हुई है। इस तरह आयशा ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो तकरीरें की कि मुसलमानों में खलबली मच गई और लोग बेदार होने लगे कि बनी उमैया के क्या करतूत हैं। नतीजे में वो हिसार जो खलीफा तक पहुंचने में माने था टूट गया और मरवान और मरवानियों का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया। वलीद को कूफे की इमारत से माजूल कर दिया गया और 80 कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई। चूंकि वलीद खलीफा का दूध शरीक भाई था, इसलिए किसी में हद जारी करने की हिम्मत न हुई। लोग सोच रहे थे कि इस दरबार में कौन हद खुदा को जारी करे। यहां तक के हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बजात खुद इकदाम किया और फरमाया, मैं हद खुदा को जारी करूंगा, चाहे कुरैश मुझे जल्लाद ही क्यों ना कहे। शेख कूफा, सहाबी रसूल, मुफस्सिर मुअल्लिम कुरान करीम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बनी उमैया के जुल्म सितम की ताब न लाकर इस दुनिया से रहलत फरमा गए और वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा खलीफा के बजाय अम्मार यासिर पढ़ाएं। उठो उठो हमजा, उड़ाओ अपने सर पर, असहाबे बद्र की गुर्बत पर गिर गया करो। ये जो लब्बैक या मोहम्मदा सुन रहे हो, जो चंद तारीख दुनिया की जबानों पर है, खुदरत मोहम्मद बनी उमैया के हाथों में आ गई। सुल्तान शाम मेरा बेटा, मेरा बेटा मुआविया पिसर हिंद जिगर खार, हमजा तेरा जिगर चबाने के बाद भी मेरी हिंद को ठंडक न मिली। पता है कि तेरे भतीजे के घर की इज्जत अब कहां रह गई। आयशा ने बनी हाशिम के मुंहों को कुफल कर दिया है। शोरिश करने वाले आयशा के तरफदार हो गए। मोहम्मद की नालायन को हाथों में उठाकर वाह मुसीबता की फरियाद बुलंद की। अब कहां बाकी रही सुन्नते मोहम्मद, सुन्नते मोहम्मद। अलविदा या शेख, मेरी तरफ से भी नबी की दस्तबोसी करना। बता देना कि जब अम्मार को आपकी याद आती है तो अली की जियारत कर लेता है और हसनैन की। कुरैश 30 साल से बनी हाशिम के लगाए जख्मों से जख्मी सांप की तरह तड़प रहे। डरो उस दिन से जब बनी उमैया की तलवारें खून से सैखल होंगी। लानत हो तू। कसम खुदा की तलहा, मेरी तलवार ने कई मुशरिकीन और मुनाफिकीन की गर्दनें उड़ाई है। काश इस उम्मुल फितने को अमान न दी होती। हम ओहद से भी बड़ी जंग करेंगे। इस बार खुरेश के सरदारों से खयानत के जुर्म में हम अली का सीना चाक करेंगे।
रुक जा बाबुल कुफ्र, तुम भी मोहम्मद की तरह अलकाब खैरात कर रहे हो जुबैर। अगर अबू सुफियान बाबुल कुफ्र ना होता तो सैफुल इस्लाम जुबैर भी ना होता। तुम भी तो कुछ बोलो तलहतुल खैर। मोहम्मद ने तुम दोनों ईमानी जोड़े को अलकाब देने वाला मिंबर दे दिया है, जिसके नतीजे में तुम्हें आकाई मिल गई है। ये तुम क्या कर रहे थे? जमीन पर मार रहा था। किस नियत से? मालूम है वो जमीन जो मुझे निगल जाएगी मेरी दुश्मन है। लाना था तुझ पे यहूदियों के कब्रिस्तान में हमजा की कब्र की नियत से गुस्ताखियां कर रहा है मक्का अबुल फितना। ए तल्लतु शर, अपनी जबान पर काबू रखो। रही कब्र हमजा की बात तो वो मेरा जाती मसला है। मैं और हमजा अब्द मनाफ की औलाद से हैं। हमजा जुबैर का मामू है। जुबैर गुस्से में आए, तुम कौन हो? मैं दीन मोहम्मद का पैरोकार हूं और हमजा का बरादर ईमानी और वकील भी। तल्हा, फर्ज करना गो के महाल है, मर्गे उस्मान के बाद अगर तुम में से किसी एक को खिलाफत मिल जाए तो आपस में किस तरह तकसीम करोगे? तूफान के आसार को कबीले के हैवानात इंसानों से पहले समझ लेते। लगता है कि शाम से कोई तूफान उठने वाला है। वफात पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के फतूहात के दौर में अगरचे कूफा एक अहम शहर शुमार होता था, लेकिन इसी तरह मुसलमानों को रोमियों से जहाद नसीब होने पर कुस्तुनतुनिया में शाम भी एक अहम जंगी गनीमत शुमार होने लगा। खिलाफत दवम ही के ज़माने से मुआवियत इब्न अबी सुफियान को शाम का हाकिम और लश्कर शाम का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया, और खिलाफत सेवम के ज़माने में भी मुआविया को उसी मकाम पर बाकी रखा गया, और इस तरह एक कवि हुकूमत कुस्तुनतुनिया में भी कायम हो गई। क्या खबर है फारूक? पूछते हो क्या हाल है? मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस मौत करोना है समझो। खस्ता कुनिंदा काम है नोमान, दौलतमंद अपने माल के बजाय अपनी जान देना आसान समझते हैं। ये सीनियां जो तुम देख रहे हो फकत शाम के तुजार का सहमे ज़कात है। इनकी शक्लें तो देखो जैसा कि खुद मुस्ताक ज़कात हैं। जरा सी भी गफलत की तो सोने की थैली गायब। अपनी सुनाओ नोमान। बिल्कुल सुर्ख है सुर्ख। जब खजाना ज्यादा हो और लश्कर मजबूत, कामयाबी की नई राहें तलाश करना चाहिए फारूक। बावर्ची से कहो नमक कम था। इलाही बिन नेमत। लो नोमान पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बुलंद आवाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتا یہ چلا ابو ذر غفاری فئی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں۔ اموال فئی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ابو ذر بات نہ مانیں اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو۔ خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے۔ ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں۔ میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو۔ حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے۔ جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان۔ خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو۔ تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو۔ یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں بلکہ شام کے تجار کی زکات ہے۔ آش، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں تین شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے، جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے۔ دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں، جو تمہاری موت کے منتظر ہیں۔ تیسرا شریک تم خود ہو۔ ہاں تم، سمجھے، کار خیر کرتے رہو۔ جان لو کہ ہر دن دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما۔ اور تم لوگ سنو اے فاخہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فخر و فاخے سے ڈر کر خانہ نشین ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو۔ کیا فضول بکواس ہے دیوانے؟ یا فی یا فی یا فی، کیا بکواس ہے؟ کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں، تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ خدا بے نیاز ہے، جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے۔ تو ہم خدا کے بندے نہیں؟ کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے، تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ معاویہ،
तुम्हें दो लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अम्बाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवलियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है? बैठ जाओ, इस मुरझाए हुए चेहरे को देखो। और देखो इस चरबदार को, ये फर्क जो तुम देख रहे हो कहां जिक्र हुआ है शरीयत मोहम्मदी में? साबित करो जिसने भी हराम जमा किया है उसकी हलक से निकलवाऊंगा। बात इंसाफ की है, इसराफ की बात है। तुमने दीन मोहम्मद के जौहर को नहीं जाना, खुदा को सिर्फ हराम और हलाल की हद तक जानते हो। मैं किस तरह साबित करूं जब उस मुजरिम ने तुम्हारी इख्तिदा की है? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे गासिबीन की निशानदेही कर दी है। तुम लोग डरना नहीं, और जान लो कि मर्द की ताकत उसके दिल में होती है, ना उसके लिबास में। और तलवार की धार तलवार में होती है, उसके नियाम में नहीं। तुमने इन लोगों का माल गस्प किया है। मैं नहीं, हरगिज नहीं, कसम खुदा की अमीर, हरगिज नहीं। मैंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से तिजारत की है अमीर, अपने माल का ज़कात भी पाबंदी से देता रहा हूँ। बार हर डाकुओं ने मुझे अपनी जद में लिया है, कई बार लूटा भी है। कसम है अल्लाह की, एक जर्रा भी मेरे जिम्मे किसी का बाकी नहीं है। लो अब ये तलवार है और तुम हो। खलीफा पर तोहमत लगाने के जुर्म में उसकी गर्दन उड़ा दो। नहीं अमीर, मैंने अपने हाथों से अब तक किसी का खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोलता है, मुजरिम तू खुद है। दोमान जी अमीर, उड़ा दो इसकी गर्दन। इताअत, इताअत करता हूँ अमीर।
ना, 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 तलवार का सहारा लोगे, जवाब यही मिलेगा। अपनी अक्ल पे भरोसा रखो, जाओ मस्जिद में जमे रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम ले जाओ, उसका इलाज करवाओ और उसकी दियत अदा करो। अगर वो मर गया तो तुमसे खिसास लूंगा। और तुम? इताअत अमीर। इस सोने की थैली को फुकरा में तकसीम कर दो। अच्छी बात है। नोमान। जी अमीर। अबू जर को लकड़ी की पालान के ऊंट पर बिठाकर शरीर सिपाहियों के साथ मदीना रवाना करो। उसके घर वाले शाम ही में रहेंगे। मरवान, तुम हो मरियम? डर क्यों गए मरवान? ना, ना, आखिर मैं क्यों डरूं? क्या कोई काम है? दस्तखान लगा दिया है, खलीफा अपने लायक दामाद के इंतजार में खाना नहीं खा रहे हैं। लायक दामाद मैं कहाँ हूँ? 3-9 साल के एतबार से नहीं, लेकिन अक्ल व फिक्र के एतबार से तो हो। तो तुम भी अपनी बहनों पे नजर रखो, कहीं हसद न करने लगे। मरवान, मरवान। ये तो वही अंगूठी है जो मेरे बाबा खलीफा वक्त के हाथ में होती है। कहाँ चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहाँ तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर? क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? ही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है, मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है, रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं?
माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या यह कम नहीं? तुम नाराज क्यों होते हो मरवान? डरता हूं असहाब मोहम्मद से आपकी दुश्मनी हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। उनके असहाब की तलवारों से हमने बड़े बड़े जख्म खाए, तुम किस चीज से डरते हो मरवान? वलीद का अंजाम नहीं देखा? वलीद आमक था, उसका खुलम खुला शराब पीना उसकी तबाही का बायस बना। मरवान, मैं ये नहीं चाहता कि माविया फितने से बच जाए और तुम फितने में गिर जाओ। तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। अबू जर मदीना पहुंचकर तुम्हारी जान को आ जाएगा, पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर दो। अम्मू जान, अबू जर का मदीने में आना कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो अली से कवीतर तो नहीं? अली मदीने में रहकर क्यों हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अबू जर ना तो नबी का भाई है, ना खानदान नबूवत से है और ना ही उनका दामाद। एक सहरा नशीन साहबी है जिसे ना तो उहद खंदक और हुनैन में शिरकत की सआदत मिली है ना कोई दूसरी फजीलत। नहीं अम्मू जान, नहीं। अबू जर बकौल आपके अगर तूफान भी है तब भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जब अबू जर तुम्हारी जान पर आ जाएगा तो तब मुझे याद करोगे। अबू जर का ख्यास अली के साथ करना ये तुम्हारी गलती है, अब तुम जानो। अम्मू जान, अबू जर के कत्ल का जवाब तो खलीफा की तरफ से होना चाहिए। एक जाली तहरीर लिखो, खलीफा से मोहर चुरा कर लगा लेना। खलीफा की मोहर तो उनकी उंगली में रहती है, मोहर चुराने के लिए तो उनकी उंगली काटना पड़ेगी। खलीफा की बेटी तुम्हारे घर में है, मरियम उनकी बेटी खेल खेल में अपने बाप की उंगली से अंगूठी निकाल सकती है। काब यानी नामालूम अहदीस का खजाना। सुनो रसूल अल्लाह की हदीस, मन अकला बसल अल अक्का फिल मक्का वजबा लहुल जन्ना। जो अक्के की प्याज मक्के में खाए उस पर जन्नत वाजिब है। जिसने एक अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में एक वजब जगह खरीद ली। जिसने दो अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में दो वजब जगह खरीद ली। और जिसने तीन अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में तीन वजब जगह खरीद ली। और जो चार अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदे 100 इराकी दिनार की नजर की है मैंने और तलहा ने कि हमारे मरने से पहले अबू जर के चेहरे पर तबस्सुम देखे। समझ लो उसने जन्नत में आखिर क्या बात हो गई है जो तुम सरे अफसोस हिला रहे हो मोमिन? तुम लोगों ने खुदा को भी महल नशीन बना दिया है। और जो सात अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से अब सिर्फ अबू जर और उसका डाकू घराना बेताज रह गया है। कहाँ वो नूर खुदा और खुशबूए मोहम्मद जो मस्जिद नबी ने बनाई थी? उस पर जन्नत में 8 वजह वहाँ दिलों की सफाई होती थी। और जो 9 अदद शेख शर्जी जो मस्जिद की प्याज आज देख रहा हूँ उस पर 9 वजब जन्नत में कब्र है पाक दिलों की। कोई एक आयत सुना दो जिसमें मुसलमानों पर वाजिब करार दिया गया हो कि मस्जिद की दीवार मिट्टी ही की बने और उसकी छत खजूर के पत्तों ही की हो। आयत सुनाओ।
लो उसने सारी जन्नत अपने नाम। खुदा का शोक, तुम में से हर एक कई एक वहियों के बारे में जानते हो। अहादीस और आयात का गणना यहाँ के खुदा बेखबर लोगों का काम हो गया है। तलहा अक्के की प्याज वाली हदीस जबानों पर गर्दिश कर रही है। जन्नत में जगह और पांच अदद प्याज की, पांचवा जब जन्नत में जगह। भाइयों जरा गौर करें, जिसने एक अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली, वो जन्नत में एक वजब जगह का मालिक हो गया, और जिसने दो अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली, उसने जन्नत में दो वजब जगह खरीद ली। जो तीन अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदेगा, वो जन्नत में तीन वजब जगह का मालिक हो जाएगा, और जो चार अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदेगा, वो चार वजब जन्नत में जगह का मालिक हो जाएगा। जो पांच अदद रसूल खुदा पर बोहतान लगाया जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। जन्नत में चौदह ओहद से तुम्हें शर्म नहीं आती? और जिसने छह अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदी, उसने जन्नत में छह वजब जगह कमा ली। सात प्याज की सात वजब जन्नत में जगह, आठ प्याज की आठ वजब जगह, नौ प्याज आदमी मरने के बाद ही आराम पा सकता है। दस प्याज की दस वजब जन्नत में जगह, और शेख शर्जी की वफात के साथ सारी प्याज खरीदने वाले को अबू जर भी मर गए। किस चीज की तलाश में आए हो यहूदा? यूसुफ की तलाश है आलिम। जाओ और अजीज मिस्र के महल में तलाश करो, यहां मदीने में कहां यूसुफ मिलने वाला। मैं बिला वजह नहीं आया, मदीने के बागात किसी यूसुफ ही की बरकत से बाकी है। मैंने यूसुफ को कुएं से पा लिया है। कुएं से? अबू जार, आखिर तुम कौन हो? कल मैं कौन होऊंगा मालूम नहीं, मगर आज मैं बुतकदे में इब्राहिम हूं। ताज्जुब है तुम जैसे रसूल के साहबी पर, मुस्लिमीन के दारुल खिलाफत को बुत कदे से ताबीर करते हो। मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है, जबकि मेरे सामने ही वो जाली हदीस बनाई जाती रही। अब कद्दू खरीदने पर किसको जन्नती बनाओगे? तुम्हारी अक्के की प्यास का जादू वाली हदीस मैंने भी सुनी है कि पैगंबर ने फरमाया कि जो अक्के की एक अदद प्याज खरीदेगा, एक वजब जन्नत में जगह पाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं मरवान, झूठी हदीस बनाने वाला काब किस बुत की शबी है? इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारी बकवास सुने, निकल जाओ यहां से, मुझे खलीफा से मिलना है। खलीफा मैं हूं। फिर तो मैं तुम पर फातिहा पढ़ के जाऊंगा। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से।
अबूजर असहाबे सुफा में से थे। असहाबे सुफा वो लोग थे जो जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ इलाकों से आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। चूँकि वो घर बार नहीं रखते थे, इसलिए मस्जिद के एक चबूतरे पर, जिसका नाम सुफा था, साकिन हुए। अबू ज़र ने खातून सहाबी से, जिनका नाम बाद में उम्मे ज़र पड़ गया था, शादी की और सुफा से अलग रहने लगे। चूँकि अबू ज़र सहरा नशीन थे, इसलिए मदीने के अतराफ में एक बुलंदी पर झोंपड़ी बनाई और वहाँ रिहाइश पजीर हुए। जरा ठहरिए। क्या आपके पास सवारी नहीं है जो इस तरह सहरा में जा रही हैं? नहीं भाई, हम तो अपना बोझ खुद ही उठाते हैं। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी मुकाफात। भाई हमसे क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। मेरे पास ऊंट है, सवार हो जाइए, आराम से पहुंच जाएगा। मैं भी कबीले बनी मुसीबत से। उसका क्या ना मान लो। قبلت ابو ذر کی نامعلوم تقدیر تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ तुम तन्हाई से तंग नहीं आए?
तन्हाई में खुदा को पा लिया है। हम भी तो खुदा के बंदे हैं। जो भी हसब नसब वाला सर्वतमंद, जिसके हजारों घोड़े हो और वो पत्थर के मजबूत मकान में रहता हो, लिबास यमनी पहने और अकसाम के मुरगन गजाएं खाए, वो अबू जर को अपना दुश्मन समझ ले। ऐ लोगो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि फक्र दरीचे से दाखिल होता है और ईमान के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इसने बैत तोड़ी है, हदीसें गढ़ी हैं, झूठी बातों को पैगंबर की तरफ मंसूब किया है, हुक्म खलीफा पर एतराज किया है। बाद साहेबान सर्वत मुसलमान जो के पैगंबर के सहाबी और मुहतरम हैं, उनका मजाक उड़ाया है, गरीबों को वरगलाता है और मुअज्जज शख्सियतों को बे ईमान तसव्वुर करता है। मैं नहीं मानता कि असहाब सुफ्फा सेहत व आफियत के आलम में भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो सकते हैं। ये शख्स दीवाना है और दीवाने पर ना ही कोई सजा है और ना जिम्मेदारी। हम इसको जंजीरों में जकड़ देंगे ताकि मुस्लिमीन इसके फितने से महफूज रहें। शर्म करो मरवान, गिरगिट की औलाद, तुम हमारे दोस्त को हमसे ज्यादा नहीं जानते। जुबैर, अगर किसी को उसके अजदाद के गुनाह की वजह से सजा देना मकसूद हो तो हम में से अक्सर लोग शर्मसार हैं। अबू जर गफारी कबीले के डाकुओं के खानदान से ताल्लुक रखता है, खुद डाकू है या नहीं क्या मालूम, लेकिन इंसान अपनी असलियत की तरफ मायल होता है। खुदा की पनाह निफाक से, खुदा की पनाह जहालत से और जुल्म जोर से। खुदा मुझे माफ न करे अगर मैंने खलीफा से बैत शिकनी की हो या हदीसें गढ़ी हो या पैगंबर खुदा की तरफ झूठ की निस्बत दी हो। बंदे खुदा अपने ईमान की वजह से खुदा के करीब होता है, न अपने हसब व नसब से। मैं ना तलहा और जुबैर की हिमायत का मोहताज हूं और ना ही बनी उमैया की दुश्मनी से खौफ ज़दा। न मेरे पास कुछ है जिसके छिन जाने से डरता हूं और न तुमसे कुछ हासिल करने की तमा रखता हूं। वो मरने वाला जिसने खाक को अपना बिस्तर करार दिया और हमेशा नबी अकरम की रिकाब में रहा और दीन के दुश्मनों पर हमला आवर हुआ। बारे इलाहा सिरात मुस्तकीम पर उसके कदमों को सिबात अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। वो जो कफन पोश हुआ और जिसकी जीनत उसके बदन के जख्म थे, जिसे दुश्मनों ने बारहा जख्मी किया, खुदाया तू उसे अपनी जन्नत के हुलालो पोशाक पहना। आमीन या रब्बल आलमीन। जिसकी कब्र उसका मस्कन हुआ, कीड़े मकोड़े उसके हमसाए, जो दुश्मनों से बेरब्त और मसाकीनों से मोहब्बत करने वाला था, बारे इलाहा उसे अपनी मलकूत में जगह इनायत का। आमीन या रब्बल आलमीन। काबल अहबार, खुदा की कसम ये मुर्दा कयामत में तमन्ना करेगा कि काश अमवाल दुनिया ही में बिच्छू बनकर मुझे डसते रहते। अबू जर, मरने वाला बेचारा मजबूर है, उसका तकिया मिट्टी का ढेला और उसकी कब्र जिंदान है, अब उससे दुश्मनी ना करना। जान लो कि वो अब अपनी वारिसों की खैरात बखीरा और अपनी दुआओं की मोहताज है।
एक दिन हम भी दुआओं के मोहताज होंगे। अजब, काश यकीन रखते कि कब्र जिस्म के लिए घर है और तंदुरुस्त जिस्म ज्यादा कीड़े पैदा करता है। काब, सजा और जजा अपने किरदार से है, न कि वारिस की खैरात या दोस्त की दुआ से। बस तुम अपने किरदार का ख्याल रखो, उस मुर्दे के वारिस को उसके लिए खैरात करने दो। काब, बताओ मुझे, क्या किरदार में वाजिबात नहीं है? हक चूंकि तलख है, हम उसको छुपाएं? खलीफा तुम्हें अहकाम दीन से आश्ना मानते हैं, तुम मशहूर आलिम हो और खजावत में अहले नजर भी। जिसने जखीरांदोजी की है और इन्फाक भी नहीं किया, क्या वो माफ कर दिया जाएगा? जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, अब वो अपना मकान चांदी की ईंटों से बनाए या सोने की ईंटों से, उसके जिम्मे तो कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वो लोग जो हलाल जमा करें, हलाल खर्च करें, हलाल बाकी छोड़ें, उनके लिए दुनिया व आखिरत दोनों है। काब, तुम दीन मोहम्मद की तबलीग करते हो या अपने गुमराह को नफकार की? मोहम्मद का हुक्म बताओ कि बखील का माल जब तक राह खुदा में खर्च न हो, वो साहिब माल के लिए आग है। तुम बखील हो तो साहिब माल क्या करे? जब तक खलीफा के गिर्द तुम जैसों का हिसार है, वो अबू बकर और उमर की तरह हुकूमत नहीं कर सकते। अबू जर कहां? मरवान, शहर बदर करने की सजा से कम पर राजी न होना रबजा के लिए। रबजा याद रहेगा ना? रबजा।